क्लास फाइव साइंस में हम सभी आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। लंग्स कैसे सांस लेने में काम करता है ये देखिए आपके किताब में दिया है। फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन इज पिक्ड अप बाय ब्लड एंड रीच आउट टू ईच सेल थ्रू, यानी कि हम लोग के शरीर में लंग्स से ऑक्सीजन जो है वह सेल थ्रू सेल से होते हुए मैंने सेल में सेल के अलावा अर्टरीज होते हैं, ठीक है, मैंने लंग्स से होते हुए आपके अर्टरीज तक पहुंचता है, ठीक है। तो अर्टरीज जो होते हैं वो हम लोग के ये देखिए अर्टरीज होते हैं, अर्टरीज जो होते हैं ब्लड को कैरी करते हैं। आफ्टर ब्लड लीव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अर्टरी ब्लड से होते हुए पहुँचता है हमारे सेल्स के अंदर पहुंचता है। छोटे छोटे सेल्स से हम लोग का शरीर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है वह वहाँ पिकअप कर देता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेता है ब्लड हम लोग का, है ना। एंड द सेल सीट एंड कम्स बैक टू लंग्स, यानी कि लंग्स से वह फिर जो ब्लड जो होता है फिर बैक हो जाता है लंग्स में, और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सहेल थ्रू नोज, यानी नोज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर दिया जाता है। द रेट ऑफ एक्ट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो रेट है सांस लेने की दर डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्या काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ईच एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी, सारा एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए होता है, जैसे रेस्ट करते हैं या स्लिप करते हैं तो रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, उसमें लेस एनर्जी चाहिए होता है। और वाइल डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते समय वी नीड मोर एनर्जी। कभी आप कोशिश किए होंगे कि आप जब दौड़ लगा रहे हों तो उस समय ज़्यादा आप सांस तेज़ी लेने लगते हैं, बहुत तेज़ी से सांस चढ़ने लगता है, तो ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर को उस समय ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑन एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे निर्भर करता है। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज द हार्ट बीट, यानी एबिलिटी जो है वह हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेने की एबिलिटी ही हार्ट बीट को इंक्रीज करती है। द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट इन वन मिनट, वन एक मिनट में जितने बार हार्ट बीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्स रेट, ध्यान रखिएगा पल्स रेट की परिभाषा यही है। जो नंबर जो होता है एक बार में एक मिनट में जितने बार दिल धड़कता है तो उसको बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। तो पल्स रेट इज नॉर्मल ह्यूमन में आपका 70 से 80 बार होता है, ठीक है, 70 से 80 बार मिनट एक टाइम में, मैंने एक मिनट में आपके 70 से 80 बार हार्ट बीट धड़कता है। आज के लिए इतना ही, अगले बार हम और आगे पढ़ेंगे और स्टेथोस्कोप के बारे में जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।